कच्चे पपीते की एक ऐसी रेसिपी जिसको आप व्रत में भी खा सकते हैं। इसको व्रत में कैसे बनाया जाएगा इसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले फ्रेश कच्चा पपीता लिया है। इसका वेट लगभग 800 ग्राम है। इसको अच्छे से पील करना होगा सबसे पहले, और ध्यान रहे कच्चा होना चाहिए, पका बिल्कुल ना हो। इसका कलर बिल्कुल वाइट होना चाहिए। देखिए इस तरह से हल्का हल्का आपने इसको छील लेना है। अच्छे से छीलें, इसमें जितना भी ग्रीन कलर है ये अच्छे से रिमूव होना चाहिए। और देखिए इस तरह से हमने इसको 1/2 किया है, और इसके जितने भी सीड हैं इसको अच्छे से निकाल दें। ये टेस्ट ख़राब करती है, ये बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। और हल्का सा नाइफ से इसके अंदर से भी पील कर लें। इसको अच्छे से धोने के बाद एक सेम साइज़ में क्यूब में काटें। देखिए इस तरह से आप इसको कद्दूकस करके भी एक रेसिपी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं उसको भी बहुत जल्द अपलोड करूँगा। तो देखिए इस तरह से काट लिया है हमने। अब इसको फ्राई करने के लिए हमने एक प्याज लिया है, इसके साथ ही हमने 4-5 हरी मिर्च और टमाटर। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और व्रत के लिए बना रहे हैं तो प्याज को स्किप करें। अब हमने लिया है कढ़ाई को। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल ज़्यादा ना डालें, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ही डालना है। और तेल को अच्छे से गर्म होने दें। गर्म होने के बाद जो हमने पपीता काट के रखा है उसको इसमें शैलो फ्राई करना है। आराम से करें, तेल के छींटे आपके ऊपर ना आए। गैस का फ्लेम अब आप मीडियम टू हाई करें, और इसको कंटिन्यू आपने 7 से 8 मिनट तक शैलो फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है तो शैलो फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। उससे एक बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। और इसमें थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करें, उससे काफ़ी अच्छे से टेस्ट आता है। तो देखिए 8 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें इस तरह से कलर आया है, हल्का सा गोल्डन कलर आया है। ये बहुत अच्छा टेस्ट भी लाता है। अब हम इसको एक प्लेट में सेपरेट कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब फिर से हम एक कढ़ाई को ले लेंगे। हमने सेम कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, और इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। अभी हमने रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है, आपके किचन में जो अवेलेबल है उसके साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने 1/2 चम्मच मेथी दाना डाला है, साथ में 1/2 चम्मच जीरा साबुत है, और इसके साथ ही 1/2 चम्मच मस्टर्ड सीड राई के दाने डाले हैं। आप सरसों राई लाई जो मिले आप डालें, उससे इसमें एक तो बहुत अच्छा दिखता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। अच्छे से क्रैक होने के बाद अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो तेल की जगह घी का इस्तेमाल करें, और आप प्याज को बिल्कुल स्किप करें। और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। लगभग 2 मिनट फ्राई करेंगे, हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन आना चाहिए कलर। चलाते चलाते हमने इसमें अब इस थोड़ा सा हरी मिर्च ऐड कर देंगे, क्योंकि वो भी इसके साथ ही फ्राई हो जाएगा। हरी मिर्च को अभी डाल देंगे तो थोड़ा ज़्यादा तीखा होगा, तो थोड़ा सा इसका स्पाइसी जो रहता है कम हो जाएगा, नहीं तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। अगर हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया तो हमें लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कम करना होगा। फ्राई हो चुका है, अभी इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम लो है, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। ज़्यादा देर तक ना करें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, कलर और टेस्ट दोनों ख़राब हो जाएगा। मसाले फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर हम इसको 2 मिनट तक इसी तरह खुले में पकाएंगे, जिससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। किसी भी सब्जी को आप इस तरह से खुले में पकाते हैं तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खुले में ज़रूर पकाना चाहिए। और आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। ध्यान रहे पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम मात्रा में डालें, 2 से 3 चम्मच डालेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो देखिए इतना होना चाहिए कि जिसमें अच्छे से मॉइस्चर बन जाए इसमें। अब हम इसमें नमक को ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, हमने इसको शैलो फ्राई करते समय पपाया में नमक डाला है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डालें, नहीं तो सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ी देर इसको चलाएंगे।
इसको लगभग हमने 2 मिनट तक पकाया खुले में। अब हम इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम में ढक के पकाएंगे तो टमाटर बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो देखिए हमने इसको 4 मिनट पकाया है, 4 मिनट के बाद देखिए तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं और टमाटर भी बहुत अच्छे से गल चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ग्रेवी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनती है, ये इससे पपाया में बहुत अच्छा कोटिंग आएगा, इसलिए हमने इसको रेडी किया है। अब हम इसमें पपाया को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने पपाया पहले ही शैलो फ्राई किया है और शैलो फ्राई करने के बाद जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो ढक के रखें, खुले में ना रखें। ढक के रखने से इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहता है और ये बहुत सॉफ्ट रहता है। साथ में हमने थोड़ा सा डाला है भुना जीरा पाउडर, ये फ्लेवर को और बढ़ाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 मिनट तक मिक्स करते हुए चलाएंगे, जिससे कि मसालों का टेस्ट अंदर तक चला जाएगा। आपने भी सेम इसी तरह से करना है, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है और बहुत टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत हेल्दी भी होती है। इतनी देर फ्राई करने के बाद काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे साइड से, जिससे कि ये जलेगा नहीं और इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहेगा। अब हम इसको ढक के 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएंगे, उससे इसमें बहुत अच्छे से पक भी जाएगा और मसालों का टेस्ट भी अंदर तक चला जाएगा। तो देखिए 10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं, आप 5 मिनट 4 मिनट बीच में चेक करते रहें, जलना नहीं चाहिए। हमने इसको 2 बार चलाया है 10 मिनट में, तो देखिए बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लेवर को बढ़ाने के लिए काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप थोड़ा सा चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्वीट टेस्ट रहता है तो चाट मसाला डालेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए कच्चे पपीते का सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर दिन 2 बजे एक नई रेसिपी के साथ आते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले इसलिए बेल आइकन को ऑल पर सेट करते हैं। बाय दोस्तों।